हेलो गाइस, नमस्ते। मैं ये रेड लिली है, पिंक लिली। मैंने 3 दिन पहले इसका वीडियो बनाया था और इसमें बहुत सी जंगली घास की तरह, मतलब कि खूब इसमें घास हो गया था। मैंने इसका केयर नहीं किया था, बरसात के बाद से मैंने इसकी केयर नहीं किया, बस पानी ऐसे डाल देती थी। तो इसमें बहुत से जंगली घास हो गए थे, मैंने इसकी सफाई की और इसमें गोबर खाद डाला, फर्टिलाइजर डाला और 3 दिन का ही परिणाम देख लीजिए आप। ये देखिए 3 दिन का परिणाम, इसमें बल्ब निकल आया है और ये कल ही निकला है बल्ब। आज इस थोड़ा सा और बड़ा हो गया है और कल इसका फ्लावर खिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये है रेन लिली, इसको लोग कहते हैं बारिश का पौधा। लेकिन अगर इसकी अच्छी से केयर हो जाए, इसमें फर्टिलाइजर और गोबर समय समय पे पड़ता रहे तो ये साल भर फ्लावरिंग करता है, हमेशा फ्लावरिंग करता है। भले ही भर भर ना दे, लेकिन एक दो बने ही रहेंगे। बारिशों में तो ये तो ढेर सारा देता है, लेकिन अगर इसकी केयर हो जाए अच्छे से तो ये पूरा महीना देता है, पूरा साल देता है फूल। और एक बल्ब ही है और इसमें कई बल्ब निकल सकते हैं, इसकी अच्छी से केयर बस होनी चाहिए। ज़्यादा केयर नहीं मांगता, बस कभी कभी हफ्ता 15 दिन 10 दिन में आप इसको अच्छे से सफाई कर दीजिए और इसमें गोबर खाद फर्टिलाइजर डालिए। ये ठंडियों में भी गर्मियों में भी फ्लावरिंग करेगा। अत्यधिक गर्मी रहेगी तभी थोड़ा सा नहीं होता है, वरना ये हमेशा फ्लावरिंग करेगा। और कहने का मतलब यही है कि बताइए, 3 दिन में मैंने इसकी सफाई किया और 3 दिन का परिणाम मुझे खुद बहुत आश्चर्य होता है कि इतनी जल्दी। बस इसी तरह इसके देखभाल ज़्यादा नहीं कर मांगता, थोड़ा सा ही मांगता है। थोड़ा से सभी पौधे थोड़े थोड़े ही देखभाल मांगते हैं, अगर उनकी थोड़ी सी भी केयर हो जाए तो आपको परिणाम अच्छा ही मिलेगा। तब तक के लिए नमस्ते, बाय।